हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात और महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल आइटम खांडवी, या पित्तौड़ भी कह सकते हैं हम इसे। ये बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाती है। ये रेसिपी हम 5 मिनट में बना लेंगे और हम इसे कभी भी स्नैकिंग कर सकते हैं, चाय में, नाश्ते में, जब आपका मन करे। और एक ख़ास बात यह है कि हम इसमें ना दही यूज़ करेंगे, ना कुछ एक्स्ट्रा मसालाज यूज़ करेंगे। आज हम बहुत ही सिंपल वे में बनाने वाले हैं पित्तौड़। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे। आप चाहो तो इसको हाथ से भी मिला सकते हो, मगर उसमें थोड़ी थोड़ी कभी कभी गुठलियाँ रह जाती है, लंग्स जैसा रह जाता है, तो इसलिए इसका बेस्ट उपाय है कि आप इसे मिक्सी में फेंटें। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी का। हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये सब मिल जाए, एक हो जाए। देखिए, मिक्सी में पीसने के बाद ये इस तरह का घोल तैयार हो जाता है। आप चाहिए तो इसको हाथ से भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें डालेंगे हम थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1/4 चम्मच डाला है। आप चाहो तो इसमें 2-4 दाने जीरे का डाल सकते हो, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। हल्दी से इसका कलर बहुत ही सुंदर हो जाता है और इसे हमें चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। देखिए, इस तरह से हमें इसे चलाना है। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, 2 मिनट में तो ये बन भी जाएगा। हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। ये देखिए, आप छोटे छोटे लम्स बन रहे हैं, इससे घबराएं नहीं। ये सब हम मिक्स कर लेंगे इसमें एक साथ सब। ये देखिए, इस तरह से ये सूखने लगेगा और ये फॉर्म होने लगेगा, तो हमें बस इसे मिलाते रहना है। देखिए, ये इस तरह का फॉर्म हो गया है, कितना अच्छा। ये अब रेडी है, हमें गैस बंद कर देना है। आप चाहो तो किसी भी थाली में इसे फैला सकते हो, पर हम बिल्कुल भी ज़्यादा सामान नहीं यूज़ करते हुए हम इसे प्लेटफॉर्म पे ही फैला कर दिखाएंगे आपको। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से प्लेटफॉर्म पे फैलाएंगे, बाकी को हम ढक देंगे ताकि वो ठंडा ना हो, क्योंकि अगर वो ठंडा हो जाएगा तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं। हमें इसे एक साथ करते हुए अच्छे से मिलाना है और इसे जब पूरा को हम फैला दें उसके बाद हमें इसे 2 से 5 मिनट ठंडा कर लेना है, और उसके बाद इसे हम अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो। स्क्वायर में भी आप कटिंग कर सकते हो, रोल बना सकते हो। ये हमने सेकंड पार्ट भी इसका ले लिया है, इसे भी हम इसे बराबर से मिला देंगे और अच्छे से फैला देंगे इसे। देखिए, इस तरह से हमें फैला देना है, कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब हमें इसे लंबी लंबी कटिंग करके हम इसका रोल निकाल लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करके पीसेस निकाल लेंगे राउंड राउंड, मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए हमें 1-1 इंच के अंदाज इस तरह से लंबा काटना है और इस तरह से हाथ से एक बार हम रोल करेंगे तो ये बाहर निकल कर आ जाएगा। आप देखिए, देख लीजिए कितना अच्छा, बिना दही के भी हम पित्तौड़ बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इस तरह से हमें सारे निकाल लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से रोल करके सारे निकाल लेने हैं। अब हम इस पे बनाएंगे तड़का। ये वगार के लिए हमने एक छोटा कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे राई और करी पत्ता। ये हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून राई का, मस्टर्ड सीड ब्लैक, और कुछ करी पत्ते। ये देखिए, हमारा वगार रेडी हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा वगार इस पे डाल देंगे इस तरीके से। इस तरह से हम इसे वगार लगाकर रेडी कर देंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर से नारियल का भी डाल सकते हो इसमें। हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पित्तौड़ रेडी है। मैं इसे थोड़ा सा सूखे नारियल से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहो तो गीला नारियल भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर से लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।